प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 7 में। आज हम लोग हिंदी में बोले जाने वाले बहुत सारे जो लोकोक्तियां होती हैं या जिनको हम मुहावरे कहते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरों के इंग्लिश में क्या मीनिंग होते हैं ये सीखेंगे। मुहावरों को या लोकोक्तियों को अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है। हिंदी में बात करने के क्रम में हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं और बेझिझक करते हैं। यदि इनका हम अंग्रेजी भी सीख लेंगे तो हमारा अंग्रेजी बोलने का जो क्रम है वो और भी इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को आज हम लोग सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप जो नया टॉपिक है उसको सीख सकें। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल देख लेते हैं जो पिछला जो वीडियो नंबर 6 था उससे लिया गया है। वहां आपने देखा होगा कि एक वर्ड और सेंटेंसेस में से ये वाला था, संपर्क में रहिएगा। संपर्क में रहिएगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए कि यदि आपको किसी से यह कहना पड़े कि संपर्क में रहिएगा तो वो क्या कहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने कई बार लोगों को बातचीत के क्रम में यह कहते हुए जरूर सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो हम क्या कहें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ए 9 days wonder, ए 9 days wonder। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के जिंदगी में थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा होता रहता है और उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है तो हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी ए 9 days wonder। आपने कई बार ये लोगों के मुंह से सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है तो इसी बात को अंग्रेजी में कैसे कहें, डायमंड्स कट डायमंड्स, डायमंड्स कट डायमंड्स। इसका मतलब ये कि एक बलशाली व्यक्ति ही दूसरे बलशाली व्यक्ति को हरा सकता है, यानी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति ही दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति से लोहा ले सकता है और उसको हरा सकता है। इसीलिए कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, डायमंड्स कट डायमंड्स। अगला है नेकी कर दरिया में डाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं ये जो हिंदी में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, Do good and cast into the river। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है भलाई करो और भूल जाओ, यानी कि आपने अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा काम किया तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा मत रखिए कि वो भी आपके लिए अच्छा करेगा। तो इसी को इस मुहावरे के माध्यम से कहा जाता है, नेकी कर दरिया में डाल, Do good and cast into the river। और कई बार हम ये लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यानी कि आपने कितना कोशिश किया, आपने कितने प्रयत्न किए वो एक बात हो गई, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ, अंतिम परिणाम क्या हुआ, वही मायने रखता है। इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला,
अंत में जो कुछ भी अच्छा हुआ बस पीछे की सारी गलती माफ। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और अगला है पानी में रहकर मगर से बैर। पानी में रहकर मगर से बैर, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? यू कैनॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। यू कैनॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, यानी कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां जो भी व्यक्ति पावरफुल है, शक्तिशाली है, यदि आप उससे दुश्मनी करते हैं तो आपके नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं पानी में रहकर मगर से बैर, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यू कांट लिव इन रोम एंड फाइट विथ द पोप। यू कांट लिव इन रोम एंड फाइट विथ द पोप। और अगला है नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम खतरा ए जान, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जो अधूरी जानकारी होती है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ये बात कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी से पूरी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा ए जान। अगर आप एक प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करते हैं तो आपका इलाज प्रॉपर होगा, लेकिन अगर नीम हकीम से कराते हैं, एक क्वैक से कराते हैं, तो आपकी जान को हमेशा खतरा होगा। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान कम है लेकिन वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है, बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? ए बैड वॉकमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। ए बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। कहने का मतलब कि कमी तो हमारे अंदर होती है तो हमें अपने कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरों के ऊपर दोष डालते रहते हैं। कमी अपनी लेकिन दोष दूसरों के ऊपर हम डालते हैं, तभी ये मुहावरा कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ ये बात बता सकता हूं, यदि आप इन मुहावरों को इंग्लिश में अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो जब आप इनका प्रयोग इंग्लिश में करेंगे तो आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज हम सीखते हैं तो उसमें समय लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम कोई नई चीज सीख पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही शांति के साथ शुरू से अंत तक देखिएगा। कम से कम 3 बार जब आप इसको देखेंगे तब आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठेगा, और उसके बाद ये हमेशा याद रहे। इसलिए जरूरी है कि आप इसको बार बार सुनते रहें। देखने की जरूरत नहीं होती, बट ऑडियो अगर आप इसका चला के छोड़ देंगे तो सुनते रहेंगे तो ये आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इसलिए कहा जाता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और यही बात हमें अंग्रेजी में कहनी होगी तो हम क्या कहेंगे? एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही थी,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। और अगला है, नाम लिया और शैतान हाजिर, नाम लिया और शैतान हाजिर, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। इसका क्या मतलब, आपने कई बार इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या किसी का नाम लेते हैं और वो आपके सामने हाजिर होता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे नाम लिया और शैतान हाजिर, यानी थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। और अगला है, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। इसको अंग्रेजी में, इसी मुहावरे को हमें कहना हो तो क्या कहें, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। इसका क्या मतलब होता है, जैसा देश वैसा वेश का, जगह के अनुसार ही रहना चाहिए या जगह के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो आप ऑड मैन आउट हो जाएंगे। इसलिए जिस जगह पे हैं वहां की जो वेशभूषा है, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो खान पान है, उसके साथ अगर आप भी रम जाएंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, जैसा देश वैसा वेश, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। और अगला है, घर का भेदी लंका ढाहे। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में यही बात तो कही गई है कि रावण को राम भगवान तब मार पाए जब विभीषण ने उनको ये बात आकर के कही कि देखो उसके नाभि कुंड में क्या था, अमृत था। तो जब तक उसके नाभि पर में आप बाण नहीं चलाएंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। और ये जैसे ही भेद पता चला राम भगवान को, उन्होंने जो है रावण को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाहे, ए ब्लैक शिप। अंग्रेजी में अगर इसको कहना हो तो सिंपल है, एक ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आदमी दुश्मन के साथ मिल जाए तो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रावण अगर विभीषण को साथ लेकर चलता और विभीषण ने अगर राम जी का साथ न दिया होता तो सोचिए रामायण का परिणाम क्या हो सकता था। इसीलिए कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाहे, ए ब्लैक शिप। और अगला जो मुहावरा है वो, अंधों में काना राजा, आपने ये बात सुनी होगी, ए फिगर अमंग सिफर्स, अ फिगर अमंग सिफर्स, यानी कि कम बुद्धिमान लोगों के बीच में थोड़ा अधिक बुद्धिमान होना। अगर सारे के सारे लोग मूर्ख हों और उसके बीच में एक थोड़ा सा समझदार व्यक्ति आपको दिख जाए तो हम लोग कहते हैं ये देखो अंधों में काना राजा, ए फिगर अमंग सिफर्स, ए फिगर अमंग सिफर्स। और चोर चोर मौसेरा भाई, ये तो डेली हम लोग जो है इस तरह के मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका क्या मतलब, एक जैसे लोग जो होते हैं ना वो एक साथ ही रहते हैं, एक जैसे लोग जिनका बात विचार व्यवहार आपस में एक जैसा होता है वो लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, इसीलिए कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस बात को अंग्रेजी में अगर मुहावरे को कहना पड़े तो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, और जिस कुत्ते को काटना होता है ना वो चुपचाप से आपके पीछे आएगा और लपक लेता है,
तो इसीलिए कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम काम करते हैं। इसलिए ज्यादा बोलना नहीं ज्यादा करना चाहिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और अगला जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। किसी व्यक्ति को ज्ञान तो कम होता है लेकिन दिखावा वो ज्यादा करता है, जैसे वो बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धि वाला हो, तो उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। और नंबर 16 है आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी कि गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, यानी कि जो खुद अच्छा होता है उसकी नजर में सब अच्छे ही होते हैं, जो खुद अच्छा होता है उसके लिए सब लोग अच्छे होते हैं, इसलिए कहा जाता है आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। और नंबर 17 है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन, फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन। जैसे आपने विंटर सीजन में जाड़े के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फॉग होता है, धुंध होता है, उस धुंध को हटाने के लिए अगर आप एक पंखा चला देंगे तो धुंध खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। आपकी मंजिल अगर बहुत ऊंची है तो आपका प्रयास भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इसलिए कहते हैं फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। और एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपने कई बार ये बात सुना होगा, जब दो लोग झगड़ा करते हैं आपस में और तीसरा उसके बीच फैसला करने को पहुंचता है तो दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं, नहीं जी मेरी गलती नहीं इसकी गलती है, तो वो कहता है कि नहीं जी एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी किसी की कम होगी ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक आदमी तो बिल्कुल पाक साफ है और दूसरे आदमी ने उसके साथ आकर जबरदस्ती झगड़ा कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। और 19 नंबर कहता है डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, यानी कि जो व्यक्ति मुसीबत में होता है उसे मुसीबत से निकलने के लिए हर कोशिश करना पड़ता है और वो उसके लिए तैयार भी रहता है, इसलिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ड्राउनिंग मैन catches at straw, drowning man catches at straw, डूबते को तिनके का सहारा, drowning man catches at straw। दोस्तों एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आपको दिखेगा, उस लिंक को क्लिक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसको आप जरूर देखिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जितने सारे हमारे वीडियोस अब तक के हैं वहां आपको मिल जाएंगे, साथ ही प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो अगर आपने कोई नहीं देखा है तो आप वहां से पहले उसे सीख लीजिए। और ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान
फीका पकवान, यानी ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल में जो उसके अंदर सामान है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी सामान्य का किस्म का है। तो देखने में दुकान बहुत सजी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, बट उसके अंदर जो पकवान रखा हुआ है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य है। इसीलिए कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। देखने में तो बहुत अच्छा, पर असल में बहुत ही सामान्य सा। इसी को अंग्रेजी में अगर हमें कहना हो तो ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। तो दोस्तों, आज हमने ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरों की मीनिंग सीखे। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और डे टू डे लाइफ में बोलने के क्रम में इनको यूज कीजिए। ऑल द बेस्ट।